नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड की राजनीति की दशा दिशा तय करने वाली सीट दुमका का चुनावी रण हर बार की तरह इस बार भी बेहद रोमांचक होने वाला है। हालांकि इस बार मुकाबले में दिशोम गुरु शिबू सोरेन नहीं है, लेकिन उनकी बड़ी बहू सीता सोरेन ने झामुमो के इस कड़ में बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि यहां अब शिबू सोरेन की विरासत चलेगी या फिर दुर्गा सोरेन की। दुमका को गुरुजी का भेद किला माना जाता है, लेकिन पिछले चुनाव में भाजपा के सुनील सोरेन ने इसे ध्वस्त कर दिया था। गुरुजी चुनाव हार गए, लेकिन दुमका में उनका राजनीतिक दबदबा आज भी कायम है। यही कारण है कि भाजपा ने जॉइंट किलर सुनील सोरेन के स्थान पर शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन को चुनाव से ठीक पहले अपने खेमे में कर लिया और दुमका से प्रत्याशी भी बना दिया। दूसरी तरफ अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में गुरुजी की पार्टी झामुमो ने अपने खास सहयोगी नलीन सोरेन को यहां से मैदान में उतार कर सीता सोरेन के लिए अग्नि परीक्षा का माहौल बना दिया। अब जबकि चुनाव में बहुत कम समय बचा है, यह जानना दिलचस्प है कि झारखंड की इस हॉट सीट का माहौल क्या है। चुनाव परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन दुमका में मुकाबला करीब करीब खुला हुआ है और दोनों प्रमुख उम्मीदवारों ने अपने सभी घोड़े खोल दिए हैं। दुमका के मतदाता फिलहाल दम साधकर प्रत्याशियों और परिस्थितियों को तौल रहे हैं। क्या है दुमका का चुनावी परिदृश्य और कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। संथाल परगना का मुख्यालय ही नहीं, झारखंड की सियासी दशा दिशा तय करने वाला दुमका संसदीय क्षेत्र इस बार भी हॉट बना हुआ है। झारखंड के पहले राजनीतिक परिवार यानी गुरुजी शिबू सोरेन के परिवार का गढ़ दुमका इस बार ऐसे चुनावी मुकाबले का गवाह बन रहा है जिसकी कल्पना आज से दो महीने पहले तक किसी ने नहीं की थी। दुमका शहर में जगह जगह लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि सीता सोरेन के साथ नाइंसाफी हुई और उन्होंने शिबू सोरेन का घर छोड़कर गलत नहीं किया। इसके ठीक विपरीत मसलिया में लोग कह रहे हैं कि बुढ़ापे में अपने ससुर को त्याग कर सीता सोरेन ने अच्छा नहीं किया, वह भी वैसे समय में जब वह अपने दूसरे बेटे हेमंत सोरेन के जेल जाने से दुखी थे। लोगों के बीच हो रही इन दो चर्चाओं ने पूरे दुमका संसदीय क्षेत्र की तस्वीर बयां कर दी। इसलिए दुमका के वोटिंग पैटर्न के जानकार भी बता रहे हैं कि जनता का मूड क्या है। वैसे दुमका संसदीय क्षेत्र का राजनीतिक पारा तो चढ़ा हुआ है, लेकिन लोगों में एक खामोशी है। इसकी मुख्य वजह दोनों दलों का अपने अपने अंतर्द्वंद्व से जूझना है। भाजपा अंतर्कलह से जूझ रही है तो झामुमो नेतृत्व के संकट के दौर से गुजर रहा है। दोनों दलों के कार्यकर्ता असमंजस में हैं। एक तरफ सीता सोरेन हैं जो दुर्गा सोरेन की विरासत की बात करती हैं, तो दूसरी तरफ नलीन सोरेन हैं जिनके पास गुरुजी की विरासत को आगे ले जाने की चुनौती है। आदिवासी बहुल गांव आमगाछी के लखी सोरेन कहते हैं कि इस इलाके में गुरुजी ही सब कुछ हैं, यहाँ का हर वोट गुरुजी के निर्देश पर ही पड़ता है। इस बार उन्होंने नलीन सोरेन को प्रत्याशी बनाया है तो उन्हें जिताना हमारा कर्तव्य है। हालांकि सीता सोरेन के बारे में वह कहते हैं कि भाभी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम लोग तो गुरुजी के निर्देश पर जामा जाकर उन्हें जिता आए थे, अब वह हमारा साथ छोड़ चुकी हैं तो हम बहुत दुविधा में हैं। उधर भाजपा भी अंतर्कलह से जूझ रही है, यहां कार्यकर्ता दो भागों में बटे दिखाई दे रहे हैं। सीता सोरेन को टिकट देने से एक खेमा नाराज है, उनका कहना है कि तीन महीने पहले तक जिस सीता सोरेन ने उन्हें उपेक्षित रखा उनके लिए अब कैसे काम करें। हालांकि भाजपा का प्रदेश नेतृत्व दोनों खेमों को साथ लाकर सीता सोरेन के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। इस काम को प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बखूबी कर रहे हैं। दुमका शहर में लोगों के बीच सीता सोरेन के प्रति सहानुभूति साफ दिख रही है। लोग उन्हें शिबू सोरेन का ही नहीं बल्कि दुर्गा सोरेन का भी उत्तराधिकारी मानते हैं। हालांकि शहर से सटे इलाकों में नलीन सोरेन को लोग झामुमो का सच्चा सिपाही मानते हैं। भाजपा के कोर वोटरों में सीता सोरेन को लेकर थोड़ी हिच है, लेकिन मोदी सरकार की योजनाएं, उसके फैसलों और खासकर राम मंदिर को लेकर एक माहौल तो बन ही रहा है। इस माहौल में सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि 1 जून को किसका वोटर अधिक संख्या में बूथ तक पहुंचता है। वैसे दुमका के बारे में यह प्रसिद्ध है कि मतदान से पहले के 24 घंटे ही वहां का माहौल तय करते हैं।
वैसे नलिन सोरेन दुमका में हवा का रुख अपनी ओर करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। उन्हें हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का पुरजोर साथ भी मिल रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन की कमी निश्चित रूप से झामुमो कार्यकर्ताओं को दिख रही है। कुछ वर्षों से हेमंत सोरेन ने झामुमो की कमान पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली थी और वह झामुमो कार्यकर्ताओं के बीच उनके हीरो के रूप में उभरे थे। वह इलाके के चप्पे चप्पे से परिचित थे, कार्यकर्ताओं को भी नाम से जानते थे। चुनाव से दो दिन पहले हेमंत सोरेन दुमका का चुनावी माहौल बदलने में माहिर हो गए थे। उनकी अनुपस्थिति में ये कार्यकर्ता कुछ बुझे बुझे दिख रहे हैं। यदि बात इन दोनों प्रत्याशियों की ताकत और कमजोरी की जाए तो एक बात साफ है कि सियासी मैदान में नलिन सोरेन अपने प्रतिद्वंदी से बहुत सीनियर हैं। वह 8 बार से विधायक हैं और उन्हें आज तक हार का मुंह नहीं देखना पड़ा है। झामुमो ही नहीं, पूरे संथाल परगना में नलिन सोरेन का अपना अलग प्रभाव है। उधर सीता सोरेन के पास सबसे ताकतवर हथियार उनके पति दुर्गा सोरेन का नाम है। संथाल परगना में आज भी दुर्गा सोरेन की बहुत प्रतिष्ठा है। यही कारण है कि भाजपा द्वारा सीता सोरेन को उतारे जाने के बाद झामुमो खेमे में एक किस्म की बेचैनी है। सीता सोरेन जहां दुर्गा सोरेन की पत्नी के रूप में दुमका के लोगों की सहानुभूति हासिल कर रही हैं, वहीं वह शिबू सोरेन की बड़ी बहू के रूप में भी खुद को सामने ला रही हैं। उनके साथ एक मनोवैज्ञानिक लाभ यह है कि शिबू सोरेन की राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने में वह खुद को बड़ी आसानी से फिट कर सकती हैं। दुमका संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले चामा विधानसभा क्षेत्र से वह 3 बार विधायक चुनी जा चुकी हैं और आज उनके पीछे भाजपा की ताकत भी है। उनके पति दुर्गा सोरेन भी चामा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे थे और उनकी गिनती झामुमो की सियासी हैसियत का विस्तार करने वाले नेताओं में होती थी। सीता सोरेन ने मुखर होकर परिवार के भीतर खुद के साथ अन्याय के आरोप लगाए हैं। वह हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के खिलाफ राजनीतिक हमला कर रही हैं, वहीं गुरुजी के प्रति उनके मुंह से आज भी सम्मान ही निकल रहा है। भाजपा के रणनीतिकारों ने संथाल परगना में झामुमो के किले को ध्वस्त करने के लिए एकदम निचले स्तर पर ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इसके तहत ही झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन को न सिर्फ भाजपा में शामिल किया गया है, बल्कि उन्हें पूर्व में घोषित और दुमका से सिटिंग सांसद सुनील सोरेन को हटाकर दंगल में उतारा गया है। लोगों का मानना है कि अगर दुमका सीट पर सीता सोरेन जीतने में सफल रहीं, तो इसका दूरगामी परिणाम भाजपा को आगे भी मिल सकेगा। सोरेन परिवार की बड़ी बहू होने के नाते सीता इस इलाके में भाजपा के लिए तुरुप का पत्ता साबित हो सकती हैं और इसके जरिए भाजपा संथाल परगना में अपनी पैठ मजबूत कर सकती है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।